नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले की 5 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रत्याशियों ने गांव-गांव घर-घर जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से मित्र संघ व शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव भी चुनावी सरगर्मी में पूरी तरह कूद गए हैं। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँवों में राजू श्रीवास्तव वोट मांगते घर घर लोगों से मिलते देखे जा सकते हैं। मित्र संघ शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव की पूरी कोशिश है कि वह हर घर, हर बुजुर्ग और नौजवानों से मिलकर भाजपा सरकार की खामियों और मित्र संघ शिवसेना के अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचा सकें। अपने चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हुए मित्र संघ शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव पूरी तत्परता के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। अपने क्षेत्र में जनसंपर्क पर निकले राजू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डुमरियागंज की जनता परिवर्तन चाहती है, जिसका विगुल बच चुका है। डुमरियागंज की जनता सपा, भाजपा, बसपा की नीतियों से उब चुकी है। जनता अब डुमरियागंज में बदलाव चाहती है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखें एक रिपोर्ट। राजू भैया आए हैं, ये चुनाव माइनॉरिटी के। राजू भैया करना है, बाहरी भगावा जाए, बाहरी भगाइए। आप चुनाव प्रचार में निकले हैं और जनता को क्या समर्थन मिल रहा? देखिए, आज नामांकन के बाद लगातार सभी दलीय सीमाएं टूट गई। जब से मैंने नामांकन किया है, आज प्रचार का भी संबल मिलने के बाद दूसरा दिन है, लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कि जिस प्रकार से लोग पार्टी छोड़ करके आज शिवसेना और मित्र संघ में शामिल हो रहे हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये डुमरियागंज में जो परिवर्तन जनता चाहती है वो अब तय हो चुका है। भारी संख्या में सभी समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। आपके लिए मैं मुद्दे क्या होंगे डुमरियागंज के लोगों? अगर डुमरियागंज की जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया तो विकास मेरा पहला मुद्दा होगा। डुमरियागंज में सड़कों का अभाव है, टूटी फूटी सड़कें हैं, सभी प्रमुख मार्ग जर्जर हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं का बहुत अभाव है, शिक्षा की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेरा प्रयास होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें और इस क्षेत्र में सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा।